हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 11th क्लास फिजिक्स फोर्थ चैप्टर मोशन इन अ प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में मैं क्या आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, पहले उसको देख लेते हैं। उसको मैंने बोर्ड के कॉर्नर पर स्टूडेंट लिख रखा है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसमें क्या चीजें आपको मिलने वाली है वही मैंने लिख रखी है। डेरिवेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट व्हाट मेक्स एन एंगल विथ पी फोर्स आर क्यू फोर्स, ये भी आपको मिलने वाला है। और स्पेशल केसेस में लेने वाला हूं स्टूडेंट्स कि अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा, ओके 90 होगा तो क्या होगा, 180 होगा तो क्या होगा, इस तरह के मैं स्पेशल केसेस लेने वाला हूं और आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझाने वाला हूं। क्या होता है 90, 60 और अल्फा की वैल्यू जो 120 होगी तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये स्टूडेंट आपको बहुत मदद करेगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आप बस सेकंडों में आंसर दे दोगे, बस देखते ही पता चल जाएगा आपको कि ये 60 एंगल है, ये 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, आंसर ये होगा। तो ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगी स्टूडेंट, और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल भी स्टूडेंट मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ जो पैरेललोग्राम लॉ पे बेस्ड होंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। तो करते हैं स्टूडेंट वीडियो की शुरुआत। स्टूडेंट मैंने स्टेटमेंट्स ऑलरेडी लिख रखा है और मैं आपको डेरिवेशन सिखाता हूँ कि कैसे इसको डेरिवेट करते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स है वो बुक में एज इट इज ही होता है, बस मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने स्टेटमेंट को कंटिन्यूली जैसा बुक में होता है एज इट इज मैंने लिख रखा है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन देख लेते मैंने क्या लिखा है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, ओके टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके तो पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड पहले आप ड्रा कर लीजिए। एक एडजेसेंट साइड ये होगी, ओके दूसरा मैंने ये ड्रा कर लिया, ये आपके पास, इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया बी, ओके और इसका भी कोई नाम दे दूंगा मैं, लेकिन दो वेक्टर्स हैं, मैंने कहा एक वेक्टर आपके पास है पी और एक वेक्टर है आपके पास क्यू, ओके तो क्या मैंने बोला यहाँ पे, इफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो मैंने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, ये मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। अब इस पैरेललोग्राम के कंप्लीट होने पर आप देखोगे कि ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेम है, मतलब टेल इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल है, तो टेल टेल के बीच मैंने एंगल बना दिया, वो क्या बना दिया अल्फा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है, ओके ये है रिजल्टेंट इसका जो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है। अब स्टेटमेंट को जरा देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड, मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो और उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है फिर क्या देखा आपने, साइड ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन अ पॉइंट, एक किसी पॉइंट से ड्रॉन की गई है, देन देयर रिजल्टेंट, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कहां होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच में होगा। अब ये रिजल्टेंट क्या करेगा, ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है डायगोनल को, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को शो करेगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके एंड इट आल्सो पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीन्स जिस पॉइंट से एडजेसेंट साइड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से इसका डायगोनल भी पास होगा, ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट। तो इससे रिलेटेड क्या थ्योरी लिखनी है, मैं थ्योरी लिख देता हूं। लेट आपको यहां कलेक्ट करना है कि टू वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स कहां हैं, इस साइड में है ए बी एंड, तो ये ए हो गया बी हो गया, इसको सी दे देता हूं, इसको मैं डी दे देता हूं, ओके स्टूडेंट्स और कुछ ज्योमेट्री होगी वो हम डिस्कस करेंगे। पहले लिख लेते हैं, लेट टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है आपके पास, ए बी एंड एडी रिप्रेजेंट द वेक्टर पी एंड क्यू,
ओके, जो ये साइड है वो रिप्रेजेंट करती है दो वेक्टर को, पी और क्यू को, एंड अल्फा विद एंगल बिटवीन वेक्टर, बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दो चीजें आपको मिल गई। आप क्या करोगे, आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम क्या होगा, ए बी सी डी, ये मैंने कंप्लीट करा दिया। अब क्या करना है, थोड़ी सी आपको ज्योमेट्री यूज करनी है, इसको फॉरवर्ड करना है, ए बी प्रोड्यूसेस फॉरवर्ड, ए बी प्रोड्यूसेस फॉरवर्ड, इसको आपने फॉरवर्ड कर दिया, एंड ड्रॉन परपेंडिकुलर, यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर क्या, सी डी, ड्रॉन परपेंडिकुलर सी डी, बोथ मीट एट पॉइंट, किस पॉइंट मिल रहे हैं, बोथ मीट एट पॉइंट डी, ये डी पे मिल जाते हैं। एक स्टूडेंट अच्छी बात, यहां देखिए ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही इतना इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है। ओके, अब देखो इसकी जो डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है, अच्छा इसका मतलब ये वेक्टर भी क्यू वेक्टर ही होगा, ये अगर एंगल अल्फा बनाता है तो ये भी एंगल अल्फा बनाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अगर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये होता है वेक्टर पी, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या मतलब है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगर ऐसा लिखा हो क्यू वेक्टर और आप आज में ऐसा लिख दिया जाए क्यू, तो इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड हो गया। ऐसा वेक्टर आर होता है और ऐसा लिखा है तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ये शो करते हैं मैग्नीट्यूड को और ये शो करते हैं वेक्टर को। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर क्यू का जो मैग्नीट्यूड क्यू है उसको मैं रिजॉल्व करने वाला हूं दो कंपोनेंट में। कैसे करता हूं देखिए, मैं एक ट्रेंगल ले लेता हूं, ट्रेंगल इन ट्रेंगल बी डी 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 सी। ओके स्टूडेंट, मैं ट्रेंगल क्या लेने वाला हूं, इन ट्रेंगल बी डी सी, इन ट्रेंगल बी डी सी। इस बी डी सी में जरा देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे बी डी चाहिए और सी डी चाहिए फॉर फाइंडिंग बी डी एंड सी डी, ये दो चीजें मुझे चाहिए। अब इन दोनों के लिए क्या करूंगा मैं, जरा देखिए अगर मैं कॉस अल्फा लगा लूं, कॉस अल्फा लगा लूं तो ये साइड मिल जाएगी, साइन अल्फा लगा लूं तो ये मिल जाएगी, इतना आपको यूज करना है। आप यूज करो पहले कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, ये हो गया बी डी अपॉन क्यू, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो यहां से देखोगे तो बी डी की वैल्यू आ गई क्यू कॉस अल्फा। दूसरा देखो जरा सा, मुझे ये निकालना है तो क्या ले लूंगा मैं, साइन अल्फा, साइन अल्फा लेने वाला हूं तो क्या आएगा, ये आएगा सी डी अपॉन क्यू, मतलब वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड, तो क्या आने वाला है यहां से, आप देखोगे सी डी की वैल्यू आ गई क्यू साइन अल्फा। जरा मैं ये वैल्यू यहां लिख देता हूं, ये मैंने वैल्यू यहां पुट कर दी क्यू साइन अल्फा, और यहां वैल्यू पुट कर दी मैंने पी कॉस अल्फा, ये मैंने वैल्यू यहां पर पुट कर दी। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मुझे चाहिए रिजल्टेंट, मुझे दो चीजें निकालनी है इस पूरे आर्टिकल में, क्या चाहिए, एक मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओके, तो रिजल्टेंट निकालता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ये होता है आर, आपको आर निकालना है। तो आर कैसे निकालोगे, आर निकालोगे इस ट्रेंगल में यूज कर लो, इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए डी सी, ए डी सी। अब ए डी सी में क्या करो आप, ये यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा जरा देखिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये मिलने वाला है। अब जरा देखिए ए सी स्क्वायर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर होगा, मैंने आपको बोला है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर, यहां आर स्क्वायर हो गया। अच्छा पहले मैं इसको एक और अच्छा से लिख देता हूं, ए सी स्क्वायर, एडी को क्या लिख सकते हो, एडी को लिख सकते हो ए बी प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इतना काम आपको करना हो गया। अच्छा
मैं इसको रब कर देता हूं, इस साइड बता देता हूं आपको। जरा देखोगे इसके बाद क्या आएगा, यहां से इस सेंटेंस इस स्टेप के बाद क्या आने वाला है, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से एबी का मैग्नीट्यूड कितना है, पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी होगा, तो क्या आएगा पी स्क्वायर, सॉरी इसका पी होगा, एबी जगह पी आएगा और बीडी जगह पी कॉस अल्फा, तो पी कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आपको कितनी मालूम है, क्यू साइन अल्फा का स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो एसी स्क्वायर इक्वल टू आएगा कितना, एसी जगह पे होगा आर स्क्वायर, ये कर दिया आपने। यहां से देखिए ओपन करिए, पी स्क्वायर प्लस यहां से कितना आएगा, क्यू है, सॉरी ये मैंने क्यू लिख दिया था, तो यहां पे क्यू लिखा था, ये क्यू होगा, मैंने पी लिखा हुआ है, ये क्यू कॉस अल्फा होगा। अच्छा क्या आएगा देखो यहां से, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आप यहां से देख रहे हो ये और इसमें दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो क्या ले सकते हो आप, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। तो आप देख सकते हो ये आइडेंटिटी होती है, इसकी जगह पे वन पुट कर दोगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। यहां से आपको ये फॉर्मूला समझ लीजिए रिजल्टेंट का, या फिर आप ऐसा ले सकते हो आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। ये आपको अपने माइंड के मेमोरी कार्ड में स्टूडेंट आपको स्टोर करके रखना है, यही फॉर्मूला रिजल्टेंट को शो करता है, रिजल्टेंट आप मैग्नीट्यूड को शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइंड करना चाहेंगे कि क्या होगा, ये तो मैंने आपको फाइंड करके बता दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है। अब आपको क्या चाहिए कि ये जो रिजल्टेंट है वो पी के साथ या क्यू के साथ कितना एंगल बनाता है। अब आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन। मैं डायरेक्शन आपको क्लियर कर देता हूं, आपको स्टेटमेंट ऑलरेडी क्लियर हो गया, स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए। आर मेक्स रिजल्टेंट, आर मेक्स लेट रिजल्टेंट रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल थीटा विथ पी वेक्टर। अगर पी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट क्या कर रहा है, अगर थीटा एंगल बना रहा है तो उस कंडीशन पे आप क्या यूज करोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ये कितना आएगा, सी डी अपॉन ए डी, और इसकी वैल्यू जरा देखोगे क्या मिलने वाली है, टेन थीटा इज इक्वल टू मिलने वाला है क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ये आपको फॉर्मूला चाहिए था फॉर द डायरेक्शन। अगर अभी आप इधर से फाइंड करते, एक बात नोट करिए स्टूडेंट, अगर आप पी के साथ फाइंड कर रहे हो, ये तो क्या है पी के साथ, आप ऐसा भी सकते थे इफ लेट रिजल्टेंट आर वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा विथ क्यू। अब क्यू वेक्टर के साथ अगर ये बनाता तो आप क्या लिखते, ये एंगल कितना हो जाता, ये एंगल होता बीटा, तो बीटा की वैल्यू कैसे देते आप, टेन बीटा इज इक्वल टू, टेन बीटा इज इक्वल टू, अच्छा टेन बीटा इज इक्वल टू देते तो क्या था, यहां पे आपको लिखना होता जैसे आपने पी के साथ देखा तो पी नीचे आ गया, अगर यहां पर टेन थीटा के साथ देखा तो पी नीचे आया था, अब बीटा के साथ देखें तो क्या आएगा, यहाँ क्यू नीचे आ जाएगा और आगे का काम सेम है, जैसे यहाँ यहाँ पे आपने लिखा क्यू, यहाँ हो जाएगा पी कॉस अल्फा और यहाँ हो जाएगा पी साइन अल्फा, दोनों तरह से सेम है, किसी को एक आप पकड़ लो और दूसरा आसानी से स्टूडेंट आप बता सकते हो कि कैसे रिजल्ट आ रहा है। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि आपको थीटा निकालना है कि बीटा निकालना है, दोनों आसान है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की, क्योंकि मुझे आपको सिखाना था डेरिवेशन, वो मैंने आपको सिखा दिया, फिर मैंने डायरेक्शन सिखा दी कि आप चाहे पी के साथ थीटा देखो या क्यू के साथ बीटा देखो, मतलब आर चाहे क्यू के साथ एंगल बनाए तो भी आप बता पाओगे, अगर आर चाहे पी के साथ एंगल बनाए तो भी आप बता पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अब समझते हैं स्पेशल केसेस।
तो इन स्पेशल केसेस के लिए केवल आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, और दो चीजों के लिए आप फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं हम। पहला तो हो गया मैग्नीट्यूड, मैं लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। फॉर डायरेक्शन क्या होगा, फॉर डायरेक्शन देखोगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू आएगा क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। बस याद रहे आपको कि ये पी के साथ है, ये रिजल्टेंट है। ओके, अब इन दोनों के बिहा पर हम केस ले रहे हैं स्टूडेंट। पहला केस क्या ले रहे हैं, केस फर्स्ट, इफ मैंने क्या बोला, इफ बोथ द फोर्सेस, इफ बोथ द वेक्टर्स, जो आप दो वेक्टर ले रहे हो पी एंड क्यू, वो कैसे हैं, पैरेलल हैं। इफ बोथ वेक्टर्स पी एंड क्यू आर पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल हो गए तो क्या, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। दोनों क्या हो गए, जीरो डिग्री। अगर यहां पे जीरो पुट कर दोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस जीरो आ जाएगा। एक कंफ्यूजन आपको और हो रहा होगा कि कैसे, शायद आपको कॉस की वैल्यू नहीं याद है तो क्या करोगे आप, तो कॉस की वैल्यू नहीं याद है तो मैं आपको हिंट कर देता हूं। ये देखो, ये आप जानते हो, ये ग्राफ बना लो ऐसे, ओके, इससे आपका काम चल जाएगा। यहां जीरो होता है, यहां प्लस वन होता है, यहां पर माइनस वन होता है, ओके। तो ये देखोगे जरा सा, ये 180 की लाइन होती है, 180 में माइनस वन हो गया, ये 90 का होता है, ये 180 का होता है, ये 270 का होता है, और ये 360 का होता है, ओके, और ये जीरो डिग्री पे है। आप जरा जीरो डिग्री पे, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, कॉस 90 पे देखोगे तो जीरो आएगा, कॉस 180 पे देखोगे तो कॉस 180 पे यहां पे आओगे माइनस वन, 270 पे कॉस देखोगे तो फिर जीरो आएगा, 360 में देखोगे तो प्लस वन आएगा। इस तरह से आप आसानी से कॉस, ये कोसाइन कर्व होता है, इस कोसाइन कर्व से स्टूडेंट आप कॉस की वैल्यू आसानी से समझ सकते हो। मैंने बोला कॉस जीरो, आप समझ गए कॉस जीरो की वैल्यू क्या आने वाली है, कॉस जीरो की वैल्यू वन आने वाली है, और यहां से रिजल्टेंट बन गया कितना, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, ओके, और यहां पे आ गया वन। तो ये फॉर्मूला बन के आ गया पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और यहां से मैं ले सकता था पी प्लस क्यू, और ये होगा मैक्सिमम, क्या होगा, ये होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा रिजल्टेंट नहीं हो सकता है। जब आर की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब दोनों वेक्टर कैसे हो, पैरेलल हो। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब आपको आर मैक्स मिल गया तो साथ में थीटा की वैल्यू क्या होगी, जरा देखिए थीटा ऐसे निकाल लीजिए। जब आप थीटा निकालोगे, क्योंकि दो चीजें आपको हर कंडीशन में चाहिए, आर चाहिए और थीटा चाहिए, तो थीटा जरा देखो, टेन थीटा इस डायरेक्शन के लिए क्या होगा, ये तो रिजल्टेंट के लिए था, यहां से टेन थीटा देखिए क्यू साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होगा, अल्फा तो आप ऑलरेडी जीरो आ चुका है, जीरो नीचे पी प्लस क्यू कॉस जीरो, अगर ऊपर जीरो आ गया तो सब जीरो आ जाएगा, तो मतलब टेन, यहां टेन थीटा इतना आ गया तो इसको ले सकते हो टेन जीरो, जीरो पे जीरो होता है, तो थीटा की वैल्यू यहां से आपको जीरो मिलने वाली है। तो ये तो केस हो गया फर्स्ट स्टूडेंट। अब हम बात करने वाले हैं केस सेकंड की। केस सेकंड मैंने क्या लिखा हुआ है, केस सेकंड लिखा मैंने अल्फा की वैल्यू 180, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इफ बोथ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, कैसे हैं, एंटी पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाए, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 180। आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्फा की वैल्यू अगर कॉस में 180 आ जाए तो उसका आंसर कितना होगा, 180 का माइनस 1 हो जाता है। तो कॉस की वैल्यू याद करने के लिए एक अच्छा सा ग्राफ मैंने बना दिया है, इस ग्राफ को आप स्टूडेंट याद रखोगे, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप फट से क्या करोगे, आप इस मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले को यूज करिए, आर बता दीजिए, तो आर की वैल्यू कितनी आने वाली है, यहां से जरा देखो, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, और कितना आ जाएगा, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू हो गई कितनी, माइनस वन, तो ये वाला फॉर्मूला होके आ जाएगा कितना, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
माइनस 2pq आएगा, और इसको आप ले सकते हो r इक्वल टू अंडर रूट p माइनस q का होल स्क्वायर। ओके, इसको आप ऐसा ले सकते हो p माइनस q लिखो, या फिर r इक्वल टू q माइनस q, जो बड़ा होगा उसको आप लिख लोगे, तो इस तरह से आएगा। और इन दोनों कंडीशन पे r कैसा आने वाला है, मिनिमम आने वाला है। किसका आता है, r की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम आने वाली है। यहां से कितना आने वाला था, यहां से r मैक्सिमम आने वाला था। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। और थीटा की वैल्यू भी आप देख लीजिए, थीटा की वैल्यू, ये तो r की वैल्यू थी, और थीटा की वैल्यू क्या देखोगे, tan थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा की वैल्यू कितनी, 180। जरा 180 पुट करिए, नीचे आएगा p प्लस क्यू कॉस 180। जरा साइन 180 होता है, ये कितना होता है, साइन 180 आई थिंक जीरो होता है, तो पूरा का पूरा जीरो आ गया। फिर जीरो देखोगे क्या आएगा, टेन जीरो आएगा, थीटा की वैल्यू अगेन आपको जीरो मिलने वाली है। इस तरह स्टूडेंट मैंने आपको दो केसेस क्लियर कर दिए। अच्छा, अब आप बात करिए, हो सकता था यहाँ जब जीरो आ जाता, अगर आप ऐसा जनसन लेते कि दोनों वेक्टर सेम भी है, अगर दोनों वेक्टर की वैल्यू सेम होती तो क्या हो जाता, यहाँ जीरो आ जाता, यहाँ दोनों सेम होते क्या होता, यहाँ क्या आता, टू पी आ जाता। थर्ड क्या होगा, केस थर्ड देखोगे आप, व्हेन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 90। अब अल्फा 90 होगा तो क्या करना है, दो ही चीजें फाइंड करनी है आपको। आप पहले आर निकालोगे, आर की वैल्यू कितनी आने वाली है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा, अल्फा मीन्स 90। आप समझ रहे स्टूडेंट, 90 होने पे क्या होता है, रिजल्ट जीरो हो जाता है। इसका मतलब यहां से आर की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक रिजल्ट आ गया। दूसरा देखो टेन थीटा, मैंने टेन थीटा के लिए फॉर्मूला आपको बोल रखा है, क्या लिखोगे आप, क्यू साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 90, ओके, पी प्लस क्यू कॉस 90। अब कॉस 90 होगा तो नीचे का टर्म जीरो हो गया, साइन 90 वन होता है, इसका मतलब क्यू अपॉन पी मिल गया। एक कंडीशन यहां से आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, कि अगर ऐसा लेते आप, इफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू बोथ आर इक्वल टू पी, ऐसा आप लेट कर लिया, क्यू भी लेट कर सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है, तो कंडीशन क्या आएगी, जो आर आने वाला है वो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट टू पी। ओके, ऐसा ही देखोगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, थीटा दोनों पी पी सेम हो जाएंगे, तो पी अपॉन पी इक्वल टू वन, वन का मतलब 10, 45, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो इसी रिजल्ट को मैंने देखो कैसे लिख रखा है, ये समझाना है मुझे आपको, मैंने लिख रखा है कि पहला वेक्टर पी है, दूसरा वेक्टर भी पी है, दोनों सेम है, और एंगल उनके बीच में कितना है 90 डिग्री। ओके, तब उनका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है रूट टू पी, क्या आता है रूट टू पी, या पी रूट टू आता है या क्यू रूट टू आता है, और जो रिजल्टेंट मेक्स करता है एंगल विद पी वो कितना आता है 45। तो आप समझ गए होंगे, ये वेक्टर पी था, ये वेक्टर क्यू था, और ये एंगल अल्फा था दोनों वेक्टर के बीच, ये था रिजल्टेंट और ये था थीटा। इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने जो ये लिखा हुआ है ये आपकी बहुत मदद करेगा। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया दो वेक्टर हैं, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, और दोनों राइट एंगल पे हैं, दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आप स्टूडेंट समझ जाओगे क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या थीटा आने वाला है, और फाइनली आप रिजल्ट बता दोगे। कैसे बताओगे, सेकेंडों में बताओगे। ऐसा ही केस मैं ले लेता हूँ सेकेंड नंबर। नेक्स्ट केस, केस फोर्थ, केस फोर्थ में क्या लेने वाला हूं, इफ अल्फा इज इक्वल टू कितना, अल्फा इज इक्वल टू 60, तब आपके पास आर कितना आएगा, आर देखो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 होती है, 1/2 करोगे कैंसिल होगा, तो यहां से आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस सिर्फ पी क्यू आने वाला है, ये आर की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। ओके, और थीटा की वैल्यू जरा देखो क्या आने वाली है, थीटा की वैल्यू देखोगे तो थीटा के लिए फॉर्मूला यही यूज करोगे, क्या आएगा क्यू साइन 60 अपॉन पी प्लस क्यू कॉस
60। यहां देखोगे तो q इसका आएगा रूट 3/2, नीचे देखोगे तो क्या आएगा p प्लस क्यू और इसका होता है 1/2, तो ऐसा आ गया। ओके, यहां इसको और सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू ऊपर से आएगा q रूट 3, नीचे एलसीएम लोगे तो 2p प्लस क्यू आएगा। इतनी चीजें आपको मिल गई। फिर मैं कंडीशन बताता हूं कि ऐसा आप लेट कर लेते, कैसा, ऐसा कर लेते कि वेक्टर p का मॉड वेक्टर q का मॉड दोनों p के बराबर है, ऐसा आपने एज्यूम किया। तो जरा देखिए आर कितना आने वाला है, ये पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, यहां पे आता कितना, यहां पे आता पी 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 मतलब पी स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 3p। तो रिजल्ट आपको मिल गया 3p स्क्वायर आएगा, तो p रूट 3 आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, जरा देखो tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या आने वाला, ये भी p हो गया, ये p, ये भी p, तो ऊपर हो गया कितना, ऊपर हो गया p रूट 3, नीचे हो गया कितना, नीचे हो गया ये 2p और ये हो गया p, ये हो गया 3, p से p कैंसिल हो गया, ये आया रूट 3, नीचे आया रूट 3 और रूट 3, तो ये हो जाएगा 1/√3, ये होता है tan 30 का। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट यहाँ से मिलके आ गया। मैंने यहाँ जो लिख रखा है अब आपको उसकी फीलिंग समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, कि मैंने क्या लिख रखा है। इसको लिखने का प्रयास करिए, क्या है कि मैंने लिखा फर्स्ट वेक्टर कितना था p, दूसरा वेक्टर कितना था p, उनके बीच एंगल कितना था, एंगल था 60 डिग्री, मैंने यही तो लिखा है। फिर उनका रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट कितना आया अंडर रूट 3p, और थीटा कितना आया, थीटा आया 30 डिग्री। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, तो आप फट से रिजल्ट देना शुरू कर दोगे। अगर किसी ने कहा कि 8 न्यूटन के आपके पास दो फोर्सेस हैं, ओके, दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, आप तुरंत बोलोगे अंडर रूट थ्री पी, पी की वैल्यू 8, तो 8√3 आंसर आएगा, 8√3 न्यूटन हो गया। दूसरा क्या होगा, थीटा कितना आने वाला है, थीटा जितना थीटा अल्फा दिया गया था जस्ट उसका हाफ कर दीजिए। इस तरह स्टूडेंट आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस में क्या बात करने वाला हूं, नेक्स्ट केस है आपके पास 120 डिग्री। अगर मैं बात करूं केस नंबर 5, इफ अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री, अब क्या मिलने वाला है, इसका मतलब आर की वैल्यू आएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 120 की वैल्यू -1/2, यहाँ 1/2 रखोगे तो 2 कैंसिल होगा और अंदर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू। ये तो आ गया रिजल्ट आर का। अब यहीं से थीटा निकाल लीजिए आप, तो tan थीटा देखोगे तो फिर यही फॉर्मूला यूज करोगे तो आएगा क्यू साइन अल्फा की वैल्यू 120, नीचे आएगा पी प्लस क्यू कॉस 120। ओके, अब यहां देखिए tan थीटा की वैल्यू आपको मिलने वाली है यहां से क्यू साइन क्यू 120। 120 की वैल्यू क्या होती है, क्यू अंडर रूट 3/2। अगेन यहां क्या आएगा पी, और क्यू की कॉस 20 की वैल्यू -1/2, तो ये आएगा क्यू बाई इतना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्यू रूट 3 आने वाला है और नीचे आ जाएगा 2p माइनस क्यू 1/2 दोनों 2/2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये रिजल्ट आ गया। फिर मैं कह रहा हूं कंडीशन आप सपोज कर लीजिए, कंडीशन क्या आपको लेने वाला है, आपको लेना है स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन वेक्टर p इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू p, ये आप लेट कर लीजिए। इतना लेट करोगे तो स्टूडेंट रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सिमिलरली जैसे आपने पहले लिखा है यहां भी आप लिखने की कोशिश करें तो देखोगे आप यहां से r की वैल्यू आने वाली कितना, p स्क्वायर और यहां से आ जाएगा पी स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा तो ये रिजल्ट p के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने देखो लिखा हुआ है पी पी लिया 120 लिया तो रिजल्टेंट कितना आया पी, एक आंसर हो गया। जरा थीटा की वैल्यू बात करो, tan थीटा की वैल्यू जरा देखो क्यू रूट 3 और क्यू भी हो गया क्यू रूट 3, नीचे कितना है 2p माइनस क्यू, यहां से रखोगे ये आएगा पी रूट 3, नीचे आएगा पी 2p माइनस पी, यहां से नीचे पी आएगा ऊपर पी कैंसिल हो जाएगा रूट 3 आएगा, रूट 3 किसका होता है tan 60 का। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो आपने रिजल्ट बना दिया, रिजल्ट ये बनाया कि पी ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर पी, दूसरा एंगल बीच में कितना था, एंगल 120 था, 120 डिग्री था, तो रिजल्टेंट कितना आया था, रिजल्टेंट आर की वैल्यू आई थी पी के इक्वल और थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो इस तरह से आप इन सबके फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ गए किसके लिए क्या स्टूडेंट आने वाला होता है। अब मैं स्टूडेंट क्या करता हूं,
आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यस स्टूडेंट्स अब कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स। तो मैंने जो बोर्ड पे लिख दिए हैं कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स, और एक एक करके मैं एक एक आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो टीवी टेक फर्स्ट न्यूमेरिकल आंसर फर्स्ट इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हाट इज गिवन दैट इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इट इज गिवन दैट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर्स। मीन्स आपको ये दिया जा रहा है कि आर की जो वैल्यू है वो वेक्टर जो दो वेक्टर ले रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तुमने कहा वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, कितना है हमने लेट कर लिया कि वो एक्स है। ओके, ये हमने लेट कर लिया। अब आपको फाइंड करना है कि कितना एंगल होगा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। आप अप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स 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 स्क्वायर एंड हियर कॉस अल्फा। आप देखोगे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, यहां पे आएगा टू एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा। तो यहां से क्या होगा, कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी नीचे लाओगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होगा वन बाय टू आएगा, और वन बाय टू क्या ले सकते हो कॉस में 120। तो यहां से अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट क्या मिल गई आपको 120 डिग्री। दिस इज द एंगल स्टूडेंट बिटवीन द टू वेक्टर्स। कब होगा ऐसा, जब आपके पास रिजल्टेंट वी मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएगा उन दोनों वेक्टर के इक्वल। तो ऐसा आपने ले लिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, आंसर नंबर सेकंड, सेकंड में स्टूडेंट आप देखोगे तो एट व्हाट एंगल आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एंगल। और आपको दो फोर्सेस दिया जा रहे हैं, आपको फोर्सेस फर्स्ट दे दिया गया पी प्लस क्यू एंड सेकेंड फोर्स दे दिया गया पी माइनस क्यू। और क्या दिया जा रहा है, ऐसे एक्ट करते हैं कि उनके बीच का रिजल्टेंट ये है। आपको एफ की वैल्यू भी दे दी गई, एफ की वैल्यू कितनी अंडर रूट थ्री पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसा मालूम हो गया। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस अल्फा। अप्लाई करिए, एफ वन की वैल्यू स्क्वायर स्क्वायर करोगे क्या आएगा थ्री पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आने वाला है, एफ वन का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां देखोगे तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां देखोगे तो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू एक साथ आएंगे, साथ में आएगा कॉस अल्फा। जरा यहां देखिए, ये हो गया आपके पास थ्री पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां से होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, और यहां से क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस टू पी क्यू। ओके, और यहां से क्या होने वाला है प्लस टू, यहां से आएगा कितना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये एक बार प्लस माइनस लिखा है, एक बार पी प्लस क्यू लिखा है, एक बार पी माइनस क्यू लिखा है, इसका मतलब ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, और यहां से आएगा कॉस अल्फा। तो देखिए यहां से क्या हो गया, ये पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं, ये पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर इधर लाओगे तो कम हो जाएंगे दो पी स्क्वायर, तो यहां बचेगा पी स्क्वायर। ओके, और देखो ये पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर ये क्यू स्क्वायर चला गया चला जाएगा, और जरा देखो इधर से क्यू स्क्वायर इधर लिया होगी ये वाला बच रहा तो इधर आएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। अच्छा अब बचा क्या, इधर इधर देखोगे तो ये वाला इस वाले से कैंसिल हो गया, इधर बच गया आपके पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू टू, यहां बच गया कॉस अल्फा। इसको डिवाइड करोगे इससे, इससे डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू करोगे तो यहां से कितना कॉस 60 आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से आप एंगल फाइंड कर देते हो दो फोर्सेस के बीच में। अब स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं थर्ड, क्या लेता हूं थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोला जा रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p इज r, मतलब आपके पास f1 की वैल्यू दी है 2p, f2 की वैल्यू दी गई है 3p, और सॉरी ये है 3p ये है 2p और रिजल्टेंट है आपके पास r, इतना दिया गया, ये आंसर नंबर है आपके पास थर्ड। तो
तो क्या करो, पहले आप अप्लाई कर दो रूल। तो इस रूल से अप्लाई करोगे तो एफ स्क्वायर इक्वल टू होगा एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस अल्फा, हो गया। अब जरा देखिए, फिर बाद में कह रहा है कि फर्स्ट फोर्स को डबल कर दीजिए और रिजल्ट भी डबल कर दीजिए, तो एंगल बताना है। तो आपको क्या चाहिए, यहां से एंगल चाहिए। तो आपने यहां से कहीं बना लिया, पहले आप कर दीजिए, आपको एंगल ही निकालना है। तो यहां से क्या आया, एफ वन की वैल्यू स्क्वायर करिए तो ये हो गया आर स्क्वायर, एफ वन करोगे तो नाइन पी स्क्वायर आएगा प्लस फोर पी स्क्वायर आएगा प्लस दोनों मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, टू थ्री जा सिक्स और टू जा ट्वेल्व, ये आ जाएगा पी स्क्वायर, यहां से आया कॉस अल्फा। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब केस अप्लाई करिए, कंडीशन, कंडीशन क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में, कंडीशन ये कि p फर्स्ट फोर्स है वो डबल हो गया, मीन्स f1 वन इक्वल टू हो गया 2f1, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 3p, इसका मतलब 6p हो गया, ओके। और रिजल्ट भी डबल हो गया, मीन्स f क्या हो गया, f हो गया 2f, दैट इज 2r। अब अप्लाई करिए तो 2r का स्क्वायर होगा, यहां से f1 का स्क्वायर होगा कितना आएगा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos अल्फा, ओके। यहां से क्या आने वाला है, ये आएगा 4r स्क्वायर, ये आएगा f1 f1 का मतलब 6, ये हो गया 36 p स्क्वायर प्लस यहां देखो f2, f2 कितना होने वाला है, f2 वैल्यू पहले थी 2 तो हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस यहां देखोगे 2 और f1 की वैल्यू कितनी, f1 की वैल्यू 6p और f2 की वैल्यू कितनी, f2 की वैल्यू 2p क्योंकि f2 चेंज नहीं हुआ और यहां से cos अल्फा, ये हो गया कितना 4r स्क्वायर इक्वल टू 36 p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस यहां से कितना हो गया, ये हो गया 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 p स्क्वायर cos अल्फा। अब जरा से यहां देखो स्टूडेंट, इसको 4 से डिवाइड कर दो तो आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 6 पी स्क्वायर कॉस अल्फा, ये हो गया इक्वेशन टू। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को देख लीजिए, दोनों से स्टूडेंट आप क्या देखोगे, दोनों में एक चीज कॉमन है, आर स्क्वायर दोनों का कॉमन हो चुका है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या देखोगे, आर स्क्वायर दोनों का सेम है, आर स्क्वायर दोनों का सेम कर दोगे तो क्या मिलेगा, यहां से क्या मिलने वाला है, 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, ये हो गया 13p स्क्वायर, मींस 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर cos अल्फा इक्वल टू यहां से कितना आने वाला है, 9p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर cos अल्फा। देखो 9p से 9p कैंसिल हो गया, क्या देखोगे आप, यहां से देखोगे ये टर्म कैंसिल हो गया, अच्छा इसको इधर लाओगे तो आएगा 3p स्क्वायर, ओके अच्छा और क्या हो सकता है, यहां से अब ये बच गया इतना 12 पी स्क्वायर कॉस अल्फा और इधर कितना बच गया, इधर बच गया आपके पास 6 पी स्क्वायर कॉस अल्फा, अच्छा अब जरा देखो इसको इधर कर लीजिए तो ये आएगा 3 पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 पी स्क्वायर कॉस अल्फा इक्वल टू 0। यहां से क्या कर सकते हो आप, यहां से इसको 3 पी से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ 3p स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आएगा 1 और यहाँ भी आएगा 2 cos अल्फा इक्वल टू 0। अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है cos अल्फा इक्वल टू -1/2, ये हो जाएगा cos 120, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 120 डिग्री। इस तरह से सिंपल वे में आपने अल्फा की वैल्यू फिर से कैलकुलेट कर दी, कितनी आ गई स्टूडेंट 120 डिग्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट, पहले आप देख लीजिए फिर 4 के सॉल्यूशन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 ये कह रहा है कि टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो, ओके फोर्सेस है तो हमने कर दिया, एक फोर्स हो गया F1 दूसरा हो गया F2, इनका रेशियो दे दिया गया ऐसा, तो यहां से F1 निकालोगे तो क्या आएगा 3/5 F2 आएगा, ये आपने काउंट कर लिया, अच्छा और क्या दिया जा रहा, जरा देखो उनका रिजल्टेंट कितना दिया गया 35 न्यूटन, 35 न्यूटन मतलब r की वैल्यू दे दी गई 35 न्यूटन। तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, r स्क्वायर इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos अल्फा, ओके अच्छा अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी गई, जरा देखो एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, मतलब आपको अल्फा दे दिया गया है कितना, अल्फा की वैल्यू 60 दी गई है
और आर की वैल्यू 35 न्यूटन दी गई। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो गिवन है, तो आप पुट कर दीजिए यहां से। यहां 35 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 35 into 35 या तो ऐसा कर लो आप r इज इक्वल टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर टू एफ वन एफ टू कॉस अल्फा कर लीजिए। इस वैल्यू को लिखने के बाद आप यहाँ पे सिंपली क्या करिए, r1 r की और f1 f2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया 35, f1 देखोगे तो यहां से निकलेगा कितना, f1 की वैल्यू आएगी 9 f2 स्क्वायर अपॉन 25 प्लस f2 है तो f2 रहने दीजिए, f2 स्क्वायर प्लस 2, f1 की वैल्यू देखोगे 3/5 f2 इंटू f2 यहां पर रहेगा cos अल्फा। अच्छा अब आप देखो ये हो गया 35, यहां से एलसीएम ले लीजिए, 25 एलसीएम ले लीजिए आप, 25 एलसीएम तो यहां कितना आया 9 एफ टू स्क्वायर प्लस यहां पर 25 एफ टू स्क्वायर होगा। यहां जरा देखिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से करो कितना आएगा, ये है 2 3 जा 6 6 5 जा 20 6 5 जा 30 सॉरी 30 एफ टू स्क्वायर और ये आ गया, यहां से आएगा इसके साथ है कॉस अल्फा। ओके अब आप जरा देखोगे यहां से तो 35 है, 25 का 5 बाहर आ जाएगा 1/5 और अंदर से देखोगे तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2 करोगे तो यहां से 15 आ जाता, कितना आ जाता 15 आ जाता, तो मैं ये इस स्टेप को हटाता हूं, यहां लिखता हूं 1/2 ये आ जाता 15 आ जाता, तो अब कितना आ जाता, ये हो जाता 49 का हो जाता यहां से कितना 49 का हो जाता 7, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 49 एफ टू स्क्वायर अपॉन 25 तो ये हो जाता यहां से 7/5 एफ टू। ओके तो ये देखो जरा सा 7/5 जो यहां से आ जाता है एफ टू की वैल्यू आ जाती है कितनी 25 न्यूटन। अगर 25 स्टूडेंट ये आ गया तो एफ वन आप यहां से काउंट कर सकते हो, नाउ एफ वन विल बी वॉट एफ वन इक्वल टू आएगा 3/5 एफ टू, तो 3/5 इंटू एफ टू की वैल्यू कितनी है 25, ये हो जाता कितना 15 न्यूटन। इस तरह से आप सिंपल वे में स्टूडेंट दोनों एफ वन और एफ टू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है और इस फॉर्मूले में जो आपको गिवन डाटा है वो पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाता है। ओके पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं, आप क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद मैं 5 बताता हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन तो यही है। ओके पहले मैं इजी क्वेश्चन बता देता हूं, आपके पास कितना है आंसर, आंसर नंबर 6 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। ओके और आप देख रहे हो आपको जिसमें चाहिए, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा होता कि बी और सी में एंगल होता तो बी और सी एक साइड में करते, ए और बी में है तो ए और बी एक साइड कर लेंगे, जैसी कंडीशन हो वैसा क्वेश्चन कर लीजिए। तो ए प्लस बी वेक्टर एक साइड कर लीजिए, माइनस वेक्टर सी कर लीजिए, फिर क्या करिए मॉड ले लीजिए स्क्वायर कर दीजिए। मैंने क्या लिया, मॉड लिया स्क्वायर किया, मॉड लिया और फिर स्क्वायर किया तो क्या आएगा जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस अल्फा इक्वल टू सी स्क्वायर। जरा देखिए मॉड ए की वैल्यू मालूम है, मॉड बी की वैल्यू, मॉड सी की वैल्यू मालूम है, जब तीनों की वैल्यू मालूम होती है स्टूडेंट तो आप क्या करते हो सिर्फ उनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या आएगा यहां से देखिए, यहां से ले सकते हो ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू आपको मालूम है 12, जब 12 मालूम है तो 144 हो गया, बी की वैल्यू मालूम है 5 ये 25 हो गया प्लस 2 ए बी कॉस अल्फा, यहां से सी की वैल्यू देखो कितनी मालूम है 13 169 हो गया स्क्वायर कर लीजिए, ये हो गया कितना। अब आप यहां से देखोगे 2 ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 169 और जब इसमें ऐड करो कितना आएगा, देखिए इन दोनों को ऐड करिए, इसमें इन दोनों को ऐड करके आप इधर भेजोगे तो ये आ गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 169, ये कैंसिल हो गया 2 ए बी कॉस अल्फा, ये हो गया 0। अब 2 इंटू ए की वैल्यू आप पुट कर सकते थे, ए की वैल्यू कितनी थी 12 और बी की वैल्यू कितनी थी 5 इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू 0, तो ये हो सकता था 120 कॉस अल्फा इक्वल टू 0, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आई 0 आ गई और 0 कितने पे होता है, तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, कॉस अल्फा 0 कब होता है कॉस 90 पर, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 90। इस तरह से आप देखोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स तो आपको यहां पर आंसर
मिल चुका होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फाइव की। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट फाइव इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल भी है, इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। आंसर नंबर फाइव क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू फोर्सेस आर सच दैट सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड मीन्स पी और क्यू, मान लिया मैंने कितना दिया गया है पी और क्यू 18 न्यूटन है, ये आपको कंडीशन दे देगी 1 न्यूटन की, ओके इतना दे दिया गया। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड देयर रिजल्टेंट इज, रिजल्टेंट कितना दिया गया, आपको रिजल्टेंट मालूम है, रिजल्टेंट आर की वैल्यू मालूम है 12 न्यूटन, ये कहानी दे दी गई। फिर क्या कह रहे हैं, ये इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, मतलब जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स से कितने एंगल पर है, वो है परपेंडिकुलर, इसका मतलब कहीं स्मॉलर फोर्स इधर होगा, हमने मान लिया पी वेक्टर है ये, ओके। और जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा है, तो आप मुझे बताओ जो रिजल्टेंट होता है वो दो वेक्टर के बीच में होता है कि बाहर होता है, तो आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए, क्या होगा स्टूडेंट्स, बीच में ही होता है, इसका मतलब कहीं पर दूसरा फोर्स इधर लग रहा होगा, ओके। तो इस तरह से कुछ कहानी बन रही होगी, तो ऐसा देखा मैंने, ये एंगल कितना है 90 डिग्री जो दिया गया है वो आर बनाता है पी के साथ, तो ये बन जाएगा थीटा, ये बन जाएगा थीटा, तो यहां हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। अब जरा देखिए यहां से, मुझे अल्फा निकालना है, अब मैं यहां से अल्फा देखता हूं कितना आता है, तो 1090 यहां से देखोगे तो 1090 हो गया, और यहां से आएगा क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ये 90 हो गया क्या देगा, ये होगा इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट क्या देता है 1/0, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा पी प्लस क्यू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या मिलने वाला है 0, यहां से देखोगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी बाई क्यू, तो एक रिजल्ट आपको स्टूडेंट यहां से मिल गया। अब आप क्या करिए, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करिए, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करोगे तो आप देखोगे आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, टू पी क्यू कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में जरा पुट करके वैल्यू देखिए कितना आने वाला है, इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आर की वैल्यू कितनी दी गई, आर की वैल्यू दी जा रही है 12, तो यहां 12 रखोगे तो आ जाएगा 144। आगे जरा यहां देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस यहां से आया 2PQ इंटू कॉस अल्फा जब कितना आया माइनस पी अपॉन क्यू, यहां से क्या देखोगे, यहां से आप देखोगे तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2P² कितना आने वाला है, तो आ गया 144 = P² और यहां से आया Q², यहां से क्या मिल गया आपको माइनस 2P², तो यहां से मिल जाएगा Q² माइनस P², आप लिख सकते हो क्या क्यू प्लस पी एंड क्यू माइनस पी, ओके। और देखो देखो क्यू प्लस पी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है, यहां से क्यू प्लस क्यू की वैल्यू नीचे कर दो तो आपको मिलेगा Q माइनस पी इज इक्वल टू 144 अपॉन क्यू प्लस पी, तो यहां से 144 अपॉन इसकी वैल्यू मिल गई 18 और ये कितना आएगा 8, इसका मतलब Q माइनस पी की वैल्यू मिल गई आपको 8। जब इतना मिल जाता है तो आप यहां साइड में कर सकते हो क्या, ये इक्वेशन मान लो 2, आप यूज करो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या यूज करो फर्स्ट एंड सेकेंड, Q माइनस पी इज इक्वल टू मिल गया 8 और दूसरा क्या मालूम है P प्लस क्यू इज इक्वल टू है 18, तो जरा देखो Q P से P कैंसिल हो जाएगा 2Q इज इक्वल टू आएगा कितना 26, तो Q स्क्वायर इज इक्वल कितनी आ गई 13 न्यूटन, ओके। और जरा P की वैल्यू जरा देखो, क्योंकि आपको क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, आपको दोनों जो फोर्सेज है उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो फाइंड कर सकते हो आसानी से, जब Q निकल आया तो किसी फॉर्म में रख दीजिए, अगेन यूजिंग फर्स्ट सेकेंड जो भी लेना चाहो ले लीजिए, सेकेंड यूजिंग सेकेंड अगेन, तो यहां देखोगे तो क्या आएगा, आपको क्या चाहिए पी चाहिए, पी चाहिए तो क्यू माइनस, यहां देखो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 8, तो क्यू माइनस 8 इज इक्वल टू पी, तो पी इज इक्वल टू आएगा क्यू, क्यू की मतलब 13 माइनस 8 कितना आएगा 5, तो यहां से देखोगे आप तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन। इस तरह से आप दोनों आंसर स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हो। एट लास्ट स्टूडेंट मैं आपसे यही बोलूंगा कि जितना आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल फॉर लाइकिंग दिस चैनल
ओके स्टूडेंट, थैंक यू।